पर निवेश का वादा लेकर आ रहे हैं, तो साथ ही उन्होंने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि भारत में ऐसी स्मार्ट सिटी वो बनाने वाले हैं। मोदी ने सत्ता संभालते ही देश के विकास की रफ्तार को और तरक्की देने के लिए 100 स्मार्ट सिटी का सपना देखा और सरकार के पहले ही बजट में स्मार्ट सिटी योजना का जिक्र किया गया। 100 दिन पूरा होते होते मोदी के इस सपने ने आकार लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि शहरी विकास मंत्रालय इस काम में जोर शोर से जुटा है और मंत्रालय ने उन शहरों की पहचान भी कर ली है जहां स्मार्ट शहर तैयार होंगे। इस लिस्ट में कुछ नए शहर भी शामिल होंगे तो कुछ पुराने शहर भी हैं जिन्हें एक नई तकनीक के भरोसे नया नवेला और बिल्कुल ही आधुनिक शहर बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र की सरकार ने 22 राज्यों को चिट्ठी लिख दी है और उनसे स्मार्ट सिटी योजना पर डिटेल रिपोर्ट मांगी है। 22 राज्यों में कुल 100 स्मार्ट शहर तैयार होंगे। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने अपने बजट में 100 करोड़ रुपए का आवंटन कर इस ओर पहला कदम बढ़ा दिया था। शहरी विकास मंत्रालय ने शुरुआती फेज में देश के 7 शहरों को चुना है जिन्हें स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। 4 राज्यों के 7 शहरों को स्मार्ट बनाया जाना है, जबकि 2019 तक पहले 3 स्मार्ट सिटी तैयार हो जाएंगे। तीनों शहर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बनेंगे, जिनके नाम हैं धौलेरा, शेंद्रा और ग्लोबल सिटी। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने मोदी के इस अहम प्रोजेक्ट के लिए मोदी के सामने प्रेजेंटेशन भी दे दिया है। भारत ने अपने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए जापान सरकार से हाथ मिलाया है, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। टीम न्यूज नेशन। सिर्फ तुम्हारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।